आज हम एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 2 इसी तरह है लेकिन वो थोड़ा सा इससे इजी है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा। आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में हमें कह दीजिए। क्वेश्चन 3 हमारे साथ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट्स आर 2x² प्लस के एक्स प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। सम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्वेश्चन में हमें दिया गया है पहले ही से। तो पहले हम इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है k प्लस 1। सम ऑफ रूट्स हमारे साथ हैं माइनस बी डिवाइड बाई ए, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 2, सो सम इज इक्वल टू माइनस k डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद प्रोडक्ट है जो कि सी डिवाइड बाई ए के इक्वल है, और सी इक्वल है के प्लस 1 की और ए 2। तो ये हमारे साथ सम एंड प्रोडक्ट हो गया। अभी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। इसमें माइनस सम है हमारे साथ माइनस के डिवाइड बाई 2, और प्रोडक्ट हमारे साथ है के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस 2 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो इससे इजी है कि इस 2 को इस 2 के साथ कट कीजिए। हमारे साथ अभी आ जाएगा माइनस के इज इक्वल टू के प्लस 1। हमें सिर्फ क्या चाहिए इसके लिए, मैं इसके को इस तरफ शिफ्ट करूँगा, तो मैं लिखूँगा कि एडिंग माइनस के ऑन बोथ साइड, से यहाँ पर माइनस के हो जाएगा और ये माइनस के प्लस 1। सो ये माइनस 2 के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, के इज इक्वल टू माइनस 7। ऊपर माइनस ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। तो के की वैल्यू हमारे साथ इक्वल हो जाएगी माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ये रहा हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तैयारी है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 से मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द स्क्वायर of roots, sum of square of roots of x square plus 2k x minus 3 is equal to 0, sum of the square of root is then equal to 10। मतलब ये है कि हमारे साथ जो सम है उसका हम स्क्वायर लेंगे और वो 10 के इक्वल होगा। पहले हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इससे पहले हमारे साथ क्वेश्चन में हमने दिया कि सम ऑफ रूट्स, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अल्फा और बीटा हमारे साथ रूट हो गए। लेट सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। मैंने वैल्यू नहीं लिखा है लेकिन मैं अभी डायरेक्ट निकालूंगा। माइनस बी की वैल्यू है 2k, तो 2k और यहाँ पर इसके साथ माइनस बी, बी का माइनस आ जाएगा, और ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा माइनस 2k। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि है अल्फा डॉट बीटा, इसमें सी की वैल्यू निकालेंगे 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3, तो यह आ जाएगा माइनस 3। दिया गया है हमें कि सम का स्क्वायर मीन अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर हमारे साथ इक्वल है 10। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यह 10 के इक्वल है। अभी हमारे साथ ये नहीं, हमारे साथ है अल्फा प्लस बीटा, इसलिए हमें इसको इस तरह बनाना है कि हमारे साथ सिर्फ अल्फा प्लस बीटा आ जाए। इसके लिए हम दोनों साइड प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे।
ये फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये सारा फार्मूला रह जाएगा, और ये माइनस टू अल्फा बीटा हमारे साथ रह जाएगा जो कि 10 के इक्वल है। अभी इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस टू के का स्क्वायर, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री इज इक्वल टू 10। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। इस 6 को मैं उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो आ जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये मार्कर ने काम करना छोड़ दिया। प्लस माइनस 1, ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 था। शुक्रिया।